दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फैक्टर में। आज के इस वीडियो में हम वर्बल रीजनिंग करने वाले हैं, जिसको हम एनालॉजी कहते हैं इंग्लिश में, सादृश्यता या फिर समानता भी कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। वीडियो नंबर 1 होने वाला है और लगातार वीडियो आती रहेंगी कंटिन्यू जब तक आपका टॉपिक कवर नहीं होगा। तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने फ्रेंड्स देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पहले मैं बता दूं, सादृश्यता यानी कि समानता देखी जाती है और फिर आपको उसका ही उत्तर देना होता है, ठीक है। उत्तर ये नहीं है इस वाले का, अब इसको पढ़ते हैं उसके बाद हम उत्तर निकालते हैं इसका, ठीक है। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कप्तान की देखरेख में ही जहाज चलाया जाता है, जो पानी का जहाज होता है। उसी प्रकार अखबार किसकी देखरेख में चलाया जाता है? संपादक की देखरेख में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस तरह से आपको उत्तर देना है, यानी कि समानता पहचाननी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है। आप सभी को पता होना चाहिए मछली जल में रहती है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही जैसे मछली जल में तैरती है, उसी प्रकार चिड़िया कहाँ पर उड़ती है? तो आकाश में उड़ती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ये भी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल 2014 में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? जी हाँ, सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? टेनिस से। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन के एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए है। देखिए यहाँ पर पहचानने वाली बात क्या है कि गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, उसी प्रकार बकरी के बच्चे को हम क्या कहेंगे? मेमना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम। नोटिलस मछली से संबंधित है, तो चेती पक्षी किससे संबंधित होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नोटिलस मछली की प्रजाति है, ठीक है। इसी प्रकार आपके चेती पक्षी भी किसकी प्रजाति है? ये मैं आपको बता देता हूँ, बत्तख की प्रजाति है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चेती पक्षी किसकी प्रजाति है? बत्तख की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और आसान है, साइंस वाले स्टूडेंट इसका आंसर लगा सकते हैं आसानी से, और जिसने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है वो भी लगा देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा का मात्रक कैलोरी यहाँ पर जैसे, तो ध्वनि का मात्रक क्या होगा? ध्वनि का मात्रक डेसिबल। यहाँ पर मैंने पहले ही बोल दिया मात्रक है, ये आपको खुद पहचानना होता है। उष्मा कैलोरी से संबंधित है, तो ध्वनि किससे संबंधित होता है? ये आपको पहले सोचोगे, फिर उसके बाद आपको पता चलेगी कि कैलोरी मात्रक होता है उष्मा का, उसी प्रकार आप देखेंगे ध्वनि का भी मात्रक है डेसिबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ, इसमें भी कई टाइप हैं, कोई संख्या पर आधारित है, कोई अक्षर पर आधारित है, कोई समानता पर आधारित है, यानी कि जैसे हम बात करें दिल्ली की, सॉरी हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली है भारत की, तो उसी प्रकार बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका। तो ऐसा संबंध भी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 64513 से संबंधित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 513 से संबंधित है। इसी प्रकार 114 किससे संबंधित है? जी हाँ, यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, इसमें मुझे थोड़ी सी गलती लग रही है। 144 कर लीजिए इसको, 144, ठीक है, 144 कर लीजिए इसको। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 64 8 का वर्ग होता है, और 513 कैसे आया है? 8 का घन, 8 × 64, ठीक है, प्लस 1, 64 8 × 64 और 8 की गुणा करेंगे 512, 512 प्लस 1 यानी कि 513 ऐसे आया। इसी प्रकार जो यहाँ पर 144 है, 144 है ये, इसको 144 कर लेना, 144 है 12 का वर्ग, ठीक है। अब 12 का घन करेंगे आप, 12 का घन कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 12 का घन आएगा 1728, और उसमें 1 की वृद्धि करेंगे तो 1 की वृद्धि करने पर 1729 प्राप्त होगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा।
ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, यानी कि ये इससे संबंधित है, तो इससे संबंधित क्या होगा। अब आप देख सकते हैं सभी क्रमागत अक्षर हैं, यानी कि सभी क्रमागत अल्फ़ाबेट हैं, ए के बाद बी आ रहा, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, एच आई जे, इसी प्रकार पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई, तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है, यू वी डब्लू एक्स वाई, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एफ जी ई एच जे और बी सी ए डी एफ, ठीक है, ये इससे संबंधित है, तो इससे कौन सा संबंधित होगा। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, वैसे आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि एफ छः पर है, छ जी सात पर, ई पाँच पर, एच एट पर और जे दस पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, छः में एक वृद्धि हुई, फिर इसमें से दो माइनस हुआ, फिर तीन प्लस हुआ और दो फिर प्लस हुआ। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी एक क्रम देखेंगे आप, बी दो पर है, सी तीन पर है, ठीक है, ए बी सी, ए वन पर है, डी चार पर है, एफ सिक्स पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वही क्रम होगा, दो यानी कि एक प्लस हो रहा है, बिल्कुल एक प्लस हो रहा है, और दो माइनस इसमें, इसके बाद दो प्लस हो रहा है, दो प्लस ओ सॉरी तीन प्लस हो रहा है इसमें, एक प्लस तीन चार आया, और फिर चार में दो प्लस हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी देखना होगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए जी ई एफ जी, ठीक है, एच आई छोड़ कर जे, इसी तरह ए बी सी, फिर उसके बाद ए के बाद डी, और फिर उसके बाद ई छोड़कर एफ, इसी प्रकार यू वी डब्लू और एक्स वाई छोड़ कर के जेड, इसी प्रकार हमको देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए अब हमको देखना है एन से, ठीक है, तीसरी संख्या से एन, फिर आगे आ जाना है ओ पी, फिर उसके बाद देखना है हमें एन के बाद ओ के बाद क्या आना चाहिए, क्यू, बिल्कुल सही है, और आर छोड़कर एस आना चाहिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, और किसी में ये नहीं लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भेड़ मटन से संबंधित है तो हिरण किससे संबंधित होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भेड़ का जो मांस होता है उसको मटन कहते हैं, तो हिरण के मांस को क्या कहेंगे हम, वेनिजन। अगर आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा हमारा टेलीग्राम का लिंक, डिस्क्रिप्शन से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक ये रहा है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें वरना डिसलाइक करके जा सकते हैं, शेयर करें वीडियो को, और ये पहली वीडियो इसलिए थोड़ा सी दिक्कत आपको लगी होगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो बहुत तगड़ी आने वाली है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।